आईसीसी ने सोमवार को इंटरनेशनल वनडे रैंकिंग की घोषणा कर दी। रैंकिंग में टीम इंडिया के कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 4-1 से मैदान मारने वाली टीम इंडिया दूसरे नंबर पर बरकरार है। टीम इंडिया के फिलहाल 122 अंक हैं और वो दुनिया की नंबर एक टीम इंग्लैंड के 126 अंकों से 4 पॉइंट्स पीछे है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी और गेंदबाजी में नंबर वन पर बने हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 3 अंक का फायदा मिला है और अब वो 17वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 6 पायदानों की बढ़त हासिल करके 17वें पायदान पर आ गए हैं। वहीं टीम इंडिया के युवा स्पिनर चहल को 1 पायदान का फायदा हुआ है और वो 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी केदार जाधव को 8 पायदानों का फायदा हुआ है और वो 35वें नंबर पर पहुंच गए हैं। केदार ने पिछले कुछ समय से शानदार ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है। अब देखना होगा कि आईसीसी रैंकिंग्स के बाद क्या टीम इंडिया विश्व कप में अपना दबदबा बरकरार रख पाती है या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।